नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। यूनाइटेड किंगडम के बेलफास्ट शहर में आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह में सीएमएस के संस्थापक और प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी को क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट की ओर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गांधी की अनुपस्थिति में उनकी पुत्री डॉक्टर नीता गांधी ने क्वींस यूनिवर्सिटी की चांसलर और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से यह उपाधि ग्रहण की। डॉक्टर जगदीश गांधी से पहले साल 2019 में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को और साल 2014 में इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति को इस उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर गांधी को पहले कई देशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की ओर से डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। तो डॉक्टर जगदीश गांधी सम्मानित किए गए हैं। प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टरेट की मानद उपाधि से डॉक्टर जगदीश गांधी का सम्मान किया गया है। कई और देशों की ओर से भी मानद उपाधि उन्हें पहले ही दी जा चुकी है और अब यूएस में उन्हें मानद उपाधि दी गई है। डॉक्टरेट की हिलेरी क्लिंटन ने यह उपाधि उन्हें प्रदान की। सीएमएस के संस्थापक हैं डॉक्टर जगदीश गांधी, प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनके किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को सम्मान दिया गया है। देश के लिए गौरव की बात है कि डॉक्टर गांधी सम्मानित किए गए हैं। प्रसिद्ध शिक्षाविद के तौर पर देश में उन्होंने सराहनीय काम किए हैं।